कि आप लोगों को भी गेम प्ले करते टाइम पिंग प्रॉब्लम का आप लोग इशू देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा देखना, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एक सोल्यूशन एंड गैस 100% वर्क करने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना होगा, जस्ट आप लोगों को सेटिंग को ओपन करना है। मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप दिखा देता हूँ कि कौन सा सेटिंग आप लोगों को ऑन करना हो। तो जैसे आप लोग सेटिंग में आओगे तो यहाँ पर DNS सर्च करना है, जो भी आपका डिवाइस हो एंड गैस आप लोगों का जो भी सिम है, पहले तो DNS को आप लोग एक सेट करके रखना चाहिए, तभी जाके आप लोगों को अच्छा सा आप लोगों को नेटवर्क मिलेगा फ़ोन में। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जो मेरा यहाँ पे DNS है, ADNS सभी सिम में काम करता है। तो DNS.google.com ये आप लोग जरूर लिखना। अगर ADNS यूज़ करते हो तो आप लोग ऐसे 50% आपका यहाँ पे प्रॉब्लम फिक्स होने वाला है। उसके बाद आते हैं कि अगर आपका जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, तो दोनों का आप लोगों को ऐसे में एक्सेस पॉइंट में आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो आप लोगों को सिम के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके आप लोग सिम कार्ड में आना, सिम कार्ड में आके आप लोगों यहाँ पे आप लोगों को एक्सेस पॉइंट नेम देखने को मिलेगा नीचे के साइड में। जस्ट आप लोगों को यहाँ पे टैप करना है और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिलहाल आप लोगों का जियो का सिम है तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। एयरटेल के ऊपर तो मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया है, यहाँ पे देख पा रहे जैसे कि मेरा एयरटेल का सिम है, लेकिन अगर आपका जियो का सिम है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ न्यू क्या एक्सेस पॉइंट होने वाला। तो प्लस वाला आइकॉन में आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पहले तो नेम चेंज करना होगा। आप लोगों को यहाँ पर नेम में लिखना है अगर जियो का सिम है तो, जैसे कि जियो 4G आप लोगों को लिखना है। 5G बहुत सारे बंदे लोग लिख देता है तो, लेकिन 5G लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, 5G हर जगह में नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि जियो 4G, ओके जियो 4G लिखना है। यहाँ पे भाई ही हो गया तो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लिखना है जियो, ये तो हमारा हो गया नेम। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, सीधा आप लोगों को सर्वर में आना है नीचे के साइड में। और आप लोग सर्वर में आप लोगों को जो लिखना होगा, ये सर्वर सभी सिम में वर्क करता है, ये एयरटेल में भी आप लोग यही सर्वर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखना है www.google.com, यही सर्वर आप लोग लिख देना। उसके बाद नीचे के साइड में आप लोग को और दो तीन आप लोग को चेंज करने का जरूरत है, तो नीचे के साइड में आप लोग को स्लाइड करना है। यहाँ पे आप लोग को जो 4x6 का आप लोग को ऑप्शन मिलता है वहाँ पर आप लोग को उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नीचे में नीचे को रहने देना, यहाँ पर ये आप लोग को RAP में अपलोड कर देना नीचे का। और उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग को 4 देखने को मिलता है इसको 6, ओके नीचे का जो ऑप्शन है 3 नंबर का, वो आप लोग को दोनों को आप लोग को वहीं पे सेट कर देना है। ओके इसको भी 6 में कर देना है, बस इतनी से काम है। और यहाँ पे जो आप लोग ऑप्शन देखने को मिलते हैं इसको ऐसे रहने देना। उसके बाद यहाँ पर जो राइट का ऑप्शन है आप लोग क्लिक करना। फिलहाल मेरा यहाँ पर एयरटेल का सिम है, इस वजह से यहाँ पर जियो का एक्सेस पॉइंट यहाँ पे नहीं ले रहा है। तो आप लोग जैसे भी यहाँ प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ फ्लाइंग मोड ऑन ऑफ करना है और इसी के साथ आप लोगों को पावर बटन को प्रेस करके रखना है, आप लोगों को रिसेट करना है। रिसेट आप लोग जैसे करोगे तो क्या होगा कि पूरा आप लोग का जो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट है वो आराम से सेट होने वाला, क्योंकि टाइम लगता है। उसके बाद आप लोग 20 से 25 मिनट के बाद आप लोग गेम में जाके एक बार चेक करना आपका पिंग को, देखना आप लोग का जो पिंग प्रॉब्लम है वो फिक्स होने वाला। फिलहाल एक गेम का प्रॉब्लम नहीं है, सिम का प्रॉब्लम है। तो ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ वीडियो चल के बढ़ते लाइक कमेंट शेयर करना। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वॉर्ड में, तब देख लो, बाय बाय, टेक केयर।